नासिर साहब आज डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी की जानिब से यहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस भथरवा में यहाँ पे वन डे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन द टॉपिक ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 पे यहाँ पे मुनक्कद किया गया, जिसमें रिसोर्स पर्सन मैं था और ऑनरेबल चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी हमारे चीफ गेस्ट थे, मेंबर सेक्रेटरी मौजूद थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भद्रवा मौजूद थे और जितने भी PRIs हैं इस भद्रवा के वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। इस पर यहाँ पर हमने जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज 1989 है इसका हमने बताया कि किस तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है और इसके जो मेन जो इसके क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इसमें हमने पंचायत हल्का के बारे में बताया, ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल के बारे में बताया और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल के बारे में हमने यहाँ पे तफसीली जानकारी दी जितने PRIs थे। और रिसेंटली जो 16 अक्टूबर 2020 को जो अमेंडमेंट MHA की जानिब से जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में लाई गई उसके बारे में भी हमने यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दी, जानकारी दी, तो हमने इनको बताया कि आप जिस तरीके से क्या काम होगा, जो DDC जो आप बने हैं अमेंडमेंट के बाद DDC नाम रख दिया गया इनका, तो उनका क्या काम होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, गोल क्या होगा, किस प्रकार से वो काम करेंगे, वोटिंग राइट क्या है, पंचायती अदालत के बारे में बताया, सरपंच पंच एक हल्के में कितने होने चाहिए उस बारे में हमने जानकारी दी, इनके रूमिनेशन के बारे में सेक्शन हमने जो 10 है उसके बारे में जानकारी दी, सेक्शन 40 के बारे में हमने इनको बताया जिसमें सिविल सूट की जुरिडिक्शन है, इसको एक्ट के तहत इन जो जो इनके इंजरेंट्स हैं इस पंचायती राज एक्ट के, तो काफ़ी तफसील के साथ हमने सारी सेक्शनें एक्सप्लेन की, इनको ब्रीफ किया, तो काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम यहाँ पर रहा है। मैं कहता हूँ कि इसका काफ़ी बेनिफिट जो है PRIs को होने जा रहा है और लोग भी जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी काफ़ी हमें जो है अप्रिशिएट किया।